देखो हम बाबा के पास तो हो ही आए, है ना, अब आगे की जो प्रक्रिया। राम सिंह बेटी आ गई, अरे राधा, अरे और आचार्य राधा, अरे बेटा कब आई और इतने गुस्से में, अरे आ बेटा, इसीलिए भेजा था आपने मुझे। अरे क्या हुआ बेटा, इसीलिए भेजा था कि ताकि तुम लोगों की हकीकत मुझे पता ना चल सके। राम बेटिया कैसी बातें कर रही है। बस चाचा जी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। चलो इन्होंने तो मुझसे झूठ बोला ही बोला, लेकिन आपने भी मुझसे वो बात छिपाई, मेरे दिल को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई। पर बेटा राधा जरा बात तो बताएगी, क्या बात हुई तुझे, क्या बात पता चली, अरे क्या बात हो गई भाई, हमें भी तो कुछ पता लगे। अच्छा? हम बता रहा बेटा। आपको नहीं पता? अरे हमें नहीं पता बेटा, आप ही बता दीजिए। आप तो ऐसे अनजान बन गए। शेर सिंह क्या क्या पूछना चाह रही है? राम सिंह बेटिया, आप तो ऐसे अनजान बन रहे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। अरे इन्होंने पूरे गांव वालों को मुसीबत में डाल दिया है। अरे इन्होंने एक सांप को मार डाला है, और वो सांप नहीं था चाचा जी, वो इच्छाधारी नाग था, नाग। अब सबके सब मारे जाएंगे, अब कोई नहीं बचेगा इस गांव में, पिताजी आपकी वजह से। आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? अब बेटा अनजाने में हुई मुझसे, मैंने क्या जान पूछ के करी ये गलती? गलती अनजाने में हो या जान के, गलती गलती होती है। जैसे ही मैंने गांव में कदम रखा, गांव वाले हम पे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि इसके बाप ने खूनी है, इसका बाप, इनको गांव से बाहर निकालो, इनके घर को जला दो। बेटा राधा देखो, इन बातों से कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि गांव वाले कुछ वैसे कमेंट कर रहे होंगे, पर बेटा देख, मुझे पता है कि तेरे पिता पे ये मुसीबत है भाई। अगर गलती हुई है तो अनजाने में हुई है, लेकिन हर गलती का कोई ना कोई तो निष्कर्ष कहीं ना कहीं निकलता है ना चाचा जी। समझा शेर सिंह, इसे समझा। इन्होंने इच्छाधारी नाग को मारा है बेटा, मैं और आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बेटा हमें अंदर से हमें पता है कि हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं और हमारे ऊपर क्या क्या। अगर आप मुसीबत से गुजर रहे थे तो क्या आपने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा? बेटा हमने इसलिए तुम्हें बताना ठीक नहीं समझा, और तुझे यहाँ से जल्दी भेजने का प्लान भी मेरा था। मैंने ही राम सिंह को बोला था कि अपनी बिटिया को यहाँ से जल्द हो सके उसको अपनी ससुराल भेज। क्यों? क्योंकि इसलिए कि हम नहीं चाहते थे कि तेरे ऊपर कोई भी, तू ये हमारी जो भी हमारे हों हमारे ऊपर तो कोई दुविधा गुजर रही है, लेकिन उसकी टेंशन तुझे लगे। आप लोगों ने ये समझा कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो तो अच्छा है कि मेरे पति ने मुझे सब कुछ बता दिया। बेटा अब जो हो गया सो हो गया, मैं राम सिंह को ले गया था, मैं बाबा के पास ले गया था, और बाबा ने इसका निष्कर्ष भी निकाल रहे हैं। बाबा बोल रहे थे कि हाँ हम बहुत जल्दी। लेकिन चाचा जी ये गाँव वाले कैसी बातें कर रहे हैं कि इन्हें गाँव से बाहर निकालो, इनके घर को जला दो, इनको मारो। हम तो पहले से मुसीबत में, तू इस मुसीबत में क्यों आई है ये बता दे, किस गांव में क्यों आई तू? पिताजी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं आपकी बेटी हूँ, और अगर मेरे बाप पे अगर कोई मुसीबत आई है तो मैं चुपचाप घर में बैठ जाऊँ? अरे बेटा ये मुसीबत भगवान बहुत जल्दी दूर करेगा, तू चिंता मत कर, मगर तू क्यों मुसीबत में फंसी है आके यहाँ? हम तो मुसीबत में हैं पिताजी, जैसे उन्होंने मुझे बताया मुझ पर रुका नहीं गया, और देख मैं भागी चली आई। और देख मेरा दोस्त शेर सिंह भी परेशान है, देख मेरा दोस्त जो है जा रहे हैं, हम उसके पास गए हैं हम। आपने अपनी मनमानी बहुत कर ली, तो बस जो मुझे ठीक लगेगा वो करूंगी मैं। चाचा जी आप किस बाबा की बात कर रहे थे? बिटिया मुझे उसके पास ले चलो। मैं ले चलूं? बाबा गोरखनाथ जी का नाम सुना है जी, उनके प्रिय शिष्य हैं पहाड़ी के पीछे। आप मेरे साथ चलिए अभी। ठीक है तू चल मेरे साथ। और पिताजी आप हमारे साथ नहीं आएंगे, बस आप गए थे पिताजी, ये मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने वहाँ क्या बातें करी, लेकिन मैं भी तो जानना चाहती हूँ कि आखिर में हम इस मुसीबत से कैसे पीछा छोड़ा है। चाचा जी चलिए। चलो बेटा जा, शेर सिंह इसे लेके जा। यही है बाबा गोरखनाथ के प्रिय शिष्य की गुफा, मैं बुलाता हूँ। बाबा जय श्री महाकाल। इस वक्त प्रणाम बाबा। खुश रहो, तू इस वक्त यहाँ और किसको लेकर आया है यहाँ? पता है ना घनघोर जंगल है और यहाँ औरतों का आना वर्जित है। मैं जानता हूँ बाबा, पर जिस जो मेरा मित्र है जिसने एक नाग को मार दिया है उसकी बेटी है ये। क्या जानना चाहती हो? जिस अभागा बाप से ये इतना बड़ा गुनाह हुआ है बाबा,
उसी अभागा बाप की बेटी हूँ मैं, और आपसे बस इतना पूछने आई हूँ कि इस मुसीबत से हम कैसे आजाद होंगे? हो जाओगी, आजाद हो जाओगी। एक बार जो अंगद अपने मन में ठान ले वो निश्चित होकर रहता है। तेरे बाप को बचाने का बीड़ा मैंने उठाया है और तेरा बाप बचकर रहेगा। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी बाबा। मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरे बाप ने ही मेरा पालन पोषण किया है और मैं अपने बाप को खोना नहीं चाहती। चिंता मत कर, तेरे बाप ने गुनाह किया, गुनाह नहीं किया, तेरे बाप से गलती से हुआ है, इस बात को मैं जान चुका हूँ, और तेरा बाप बच जाएगा, इस बात की चिंता भी छोड़ दे। हाँ, पर उस नागिन के आड़े अगर आया कोई तो बच नहीं पाएगा। मैं बस कोशिश कर सकता हूँ। नागिन? हाँ, जिस नाग को तेरे बाप ने मारा था, उसकी प्रेमिका जो नागिन है वो मेरे पास आई थी। इसका मतलब उसकी नागिन अभी जिंदा है? वो नाग ही तो मरा है। उसी नाग की मौत का बदला लेने के लिए वो पूरे जंगल में अपना सिकंजा कसे हुए है। जैसे ही तेरा बाप उस गांव से बाहर निकला जंगल की ओर, उसको कोई नहीं बचा सकता। बस बेटा, एक बात का ध्यान रखना है, उस गांव से अपने बाप को निकलने नहीं देना है और ना ही आसपास में कहीं जाने देना है, क्योंकि मैंने वहां पर एक ऐसा सिकंजा कसा हुआ है कि वो उस नागिन उस गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। अगर जिस दिन भी नाग तेरा बाप उस घर से या उस गांव से बाहर निकला तो उसे कोई नहीं बचा सकता। और हाँ, शाम को रात्रि में तुम्हें यहाँ आना है। उस नाग के शरीर को, मृतक शरीर को हमें ढूंढना है। पर बाबा, मैं ही आऊं या अपने मित्र को साथ लेकर क्या? मैं आ सकती हूँ क्या? नहीं पुत्री, तुम्हारा आना यहाँ उचित नहीं है, क्योंकि खतरा चारों तरफ मंडरा रहा है और मैं नहीं चाहता किसी मासूम की जान उसमें आड़े फंसे। तुम घर पर ही रहो, बस इनके पिताजी को आप लेते आएंगे और उसके बाद उस मृतक शरीर को हम ढूंढ कर उस नागिन को वहीं की वहीं उसकी क्रिया समाप्त करेंगे। ठीक है बाबा, लेकिन इस मुसीबत से हम बाहर निकल तो आएंगे ना? निकल जाओगी, अब तुम जाओ। और तुम रुको मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब तुम कौन हो बहन, और इतने घनघोर जंगल में यहाँ अकेली खड़ी हो? मैं नागिन हूँ। तुम डरो मत बहन। नागिन? तुम डरो मत, जिस बाप की तुम बेटी हो ना, तुम्हारे बाप ने मेरे पति को मारा है, नाग को। क्या? इसका मतलब वो तुम्हारा ही नाग था? हाँ, वो मेरे पति थे जो तुम्हारे बाप ने मारा है, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। पर बहन, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। जो मेरे साथ गलत करेगा मैं उसके साथ गलत करूंगी, जो मेरे साथ सही करेगा मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगी। एक तरफ तो कहती हो कि डरो मत, और एक तरफ कहती हो कि मैं तुम्हारे बाप को छोड़ूंगी नहीं। बहन, मैं तुमसे ये बात कहती हूँ ना, लेकिन तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं तुमसे अपने बाप की सलामती की भीख मांगू, या ये कह दूं कि जो मेरे बाप ने किया उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो इतनी बड़ी दुविधा में फंस चुकी हूँ कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन एक बात तो है, मैंने कभी सुना देखा नहीं है, बचपन में हमारी नानी एक कविता सुनाती थी कि नाग नागिन होते हैं लेकिन आज देख भी लिए, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर भी इंसान वाला दिल है। लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बाप ने जो किया वो माफ़ी के काबिल तो नहीं है, लेकिन उन्हें माफ़ कर दूँ। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे बाप को माफ़ कर दूँ, तो जो मेरा पति मेरा मरा है उसे तुम वापस ला सकती हो? जो मेरी कुसियाँ उजड़ी हैं क्या तुम उसे दोबारा ला सकती हो? अगर तुम ला सकती हो तो जाओ, मैं तुम्हारे बाप को माफ़ कर दूंगी, अगर तुम ये सब काम कर सकती हो तो।
काश ऐसा हो जाता कि मैं तुम्हारे खोए हुए पति को वापस ला सकती। तुम्हें जरूर लाती, ये चीज तो तुम भी जानती हो कि एक बार जो इस दुनिया से चला जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता। उसकी यादों के सहारे हमें रहना पड़ता है। लेकिन मैं जानती हूँ मेरे बाप से इतना बड़ा गुनाह हुआ है कि, और मेरे पास तो शब्द ही नहीं है तुम्हारे लिए कुछ कहने के लिए। ठीक है, जब तुम्हारे पास शब्द नहीं है तो मेरे पास भी कान नहीं है सुनने के लिए। मैं जा रही हूँ। रुको। क्या? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि वो लोग तुम्हारे नाक को ढूंढकर उस बाबा के पास पहुंचाना चाहते हैं। क्या? मेरे नाक को ढूंढ के? मेरे नाक को ढूंढ के बाबा के पास पहुंचाना चाहते हैं? पर क्यों? पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वो मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अभी इधर से बाबा के पास से ही आ रही हूँ। क्योंकि वो बाबा हमारी सहायता नहीं कर रहा है, वो सिर्फ नागमणि के चक्कर में। जब उस पर नागमणि आ जाएगी तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाएगा। मैं ये होने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हें क्या करना, ये तुम्हें पता है। मैं अब तुमसे ये भी नहीं कहूंगी कि मेरे बाप को छोड़ दो। छाते जाते एक बात और बता के जा रही हूँ कि असली दुश्मन मेरा बाप नहीं, वो बाबा है। बाबा ये कहाँ लेकर के आए हैं आप? इससे पूछ कहाँ लेकर आया हूँ। यही वो जगह है ना, है ना, यही है ना वो जगह? बाबा ये वही जगह है जहाँ मैंने नाक को मारा था। हाँ यही जगह है वो। ढूंढो, चारों तरफ ढूंढो, क्योंकि उस नाक के शरीर का मिलना बहुत ही आवश्यक है। तुम इधर जाओ और उस नाक की चारों तरफ देखो कि यहाँ कोई नाक तो नहीं है, और तुम इधर जाओ। ठीक है बाबा। और मैं इधर ढूंढता हूँ। तू कौन है? तेरी मौत। मेरी मौत? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे पति को मार के तू यूं और पूछ रहा है कि तूने मेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने किसी का पति नहीं मारा। तूने मेरे पति को नहीं मारा? कौन पति तेरा? कौन पति मेरा? जिसको तू ढूंढने आया है नाग को, वो मेरा पति है। नागिन मुझे माफ कर दे। तू मुझे माफ कर दे। माफ कर दी तुझे? तुझे माफ कर दूं? मुझे माफ कर दे। तू माफी के लायक नहीं है जो तुझे माफ कर दूं मैं। मुझे माफ कर दे, मेरी जान बख्श दे। हां तुझे छोड़ दूंगी अगर तू मेरे पति को वापस ला दे तो। बता मंजूर है? मैं नहीं ला सकता। क्यों? मुझे क्षमा कर दे बस। अच्छा? मुझे माफ कर दे। अपनी जान प्यारी है। मुझसे वो भूले से गलती हुई थी, मैंने जानबूझ के नहीं मारा उसको। ऐसे कैसे भूल से होगी? ऐसे कैसे नहीं जानबूझ के मारा तूने? मुझे माफ कर दे बस, माफ कर दे मुझे। ठीक है तुझे माफी किया, मैं तुझे आजाद करती हूँ। आ गई, तेरा ही तो इंतजार था मुझे। बहुत तड़पाया है, बहुत घुमाया है, पूरे जंगल का चप्पा चप्पा छनवा दिया। दसियों साल तपस्या करता रहा लेकिन तुम लोग मेरे हाथ नहीं लगे। वो तो शुक्रमान कि तेरा नाग मारा गया, तू भी जानती है अच्छी तरह। वो नागमणि मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। आजाद? तू क्या आजाद करेगा, मैं खुद आजाद हूं। आजाद है? और सुनती जा, जब तक मेरा जीवन है जब तक मैं उसको मरने नहीं दूंगा।
जिसको तू मारने के लिए इस जंगल में भटक रही है। क्या मुझे लगता है अंगद तू पागल हो गया है। जिसे तू बचाने की कह रहा है उसे तो मैं कब का मार चुकी है। जा देख नदी के किनारे उसकी लाश पड़ी है। जाके खुद देख ले। तूने उसे मार दिया। बता तेरा नाक कहाँ है। नाक? मैंने तो अपना नाक बेचारे को कब का जला चुकी। जला चुकी? वो नागमणि मुझे दे दे। वो नागमणि तू जैसे शैतान के हाथ में मैं कभी नहीं दे सकती। उस नागमणि के लिए तू जिंदगी भर तरसेगा। जिंदगी भर गायब हो गई। उस नाग के मृतक शरीर को जलाकर इसने मेरी 10 साल की तपस्या को भंग किया है। बच नहीं पाएगी। तू मेरे हाथ एक दिन जरूर आएगी और एक उस दिन ऐसा होगा कि तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी और वो नागमणि मेरी होकर रहेगी। मेरी होकर रहेगी। बेटा राधा। अरे चाचा जी पिताजी कहाँ है? वो नहीं आया आपके साथ? बेटा राधा अब तेरा पिता कभी वापस नहीं आएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी पिताजी नहीं रहे मतलब? बेटा वो नहीं रहा। उसको उस इच्छाधारी नागिन ने मार दिया। तू भी जानती है किस धरती पे जो भी जैसा कर्म करता है बेटा उसको वैसी ही सजा भुगतनी पड़ती है। और बेटा रोते नहीं है। कोई बात नहीं रोते नहीं बेटा। जैसा लिखा होता विधाता ने वैसा हर सूरत में होता है। तू चिंता मत कर। एक पिता ही तो गया है। एक पिता तो अभी भी जिंदा है।